नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बद्रीनाथ धाम के कपाट वृक्ष लगन में शनिवार शाम 6:45 पर विधि विधान पूर्वक शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसी के साथ उत्तराखंड हिमालय की चार धाम यात्रा ने भी विराम ले लिया। कपाट बंदी के अवसर पर रिकॉर्ड 4366 श्रद्धालु इस बार बद्रीनाथ धाम में मौजूद रहे। अब शीतकाल के दौरान भगवान बद्री नारायण के दर्शन योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में होंगे। समुद्र तल से 10,276 फीट की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया भगवान नारायण के फूलों के श्रृंगार के साथ सुबह से ही शुरू हो गई थी। नित्य पूजाओं के बाद भगवान को दोपहर का भोग लगाया गया। दोपहर का भोग लगने के बाद कुछ समय के लिए मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं, लेकिन कपाट बंदी के मौके पर दिन भर कपाट खुले रहे। इस दिन को यादगार बनाने के लिए मंदिर को 20 क्विंटल केंद्र व अन्य प्रजाति फूलों से सजाया गया था। पाठ बंदी पर उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह, धर्माधिकारी भुवन चंद, सती संत प्रसाद डिमरी, एवं सेना को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के बैंड की मधुर धुनों पर माड़ा व बामड़ी गांव की महिलाओं ने पारंपरिक पौड़ा नेत की छटा बिखेरी। इस बार बद्रीनाथ धाम में 1,97,056 यात्री भगवान बद्री धाम पहुँचे। जैसे कपाट बंदने की प्रक्रियाएँ शुरू हुई और आज जो मुहूर्त था मुहूर्त जो आप लोगों ने निकाला गया था किस तरीके से आज कपाट बंद भगवान के स्त्री का कपाट अभी कुछ देर पहले बंद हुए हैं और ये मुहूर्त विजयादशमी के दिन बद्रिकाश्रम के विद्वानों के बीच में हक हकूकधारियों के बीच में तीर्थयात्रियों के बीच में महात्माओं के बीच में बैठ के तय किया जाता है। मुहूर्त तय हुआ 20 नवंबर का। 5 दिन पूर्व से पंच पूजाएं प्रारंभ होती हैं। आज 5वां दिन था। आज प्रभात में भगवान फूलों के श्रृंगार में थे। आज न तो कोई हीरे के हार, न सोने के मुकुट, न मोतियां, न चांदी, सब कुछ फूलों का। बस सायंकालीन पूजाएं प्रारंभ हुई लगभग 4 बजे से और ठीक 5:30 बजे तय मुहूर्त पर महालक्ष्मी जी भगवान के मंदिर में आई हैं। परंपरा अनुसार श्रीमान रावल जी ने और स्त्री वेश धारण किया, सखी बने, सखी बन के और गोद में लक्ष्मी जी को लेके भगवान नारायण की सेवा में रखा। साथ ही कुबेर जी पांडुकेश्वर जी प्रस्थान किए, आज बामणी गांव में रहेंगे। गरुड़ जी जोशीमठ के लिए प्रस्थान किए और उद्धव जी पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान किए। बस इसी के साथ इस वर्ष का ये ग्रीष्मकालीन सीजन कह सकते हैं या ग्रीष्मकालीन पूजाएं या मानव पूजाएं इसी के साथ संपन्न हो जाती हैं। गंगोत्री, जमनोत्री, केदार, ये दिवाली के आसपास सभी मंदिर बंद हो चुके थे। बद्रीनाथ मंदिर आज यानी 20 नवंबर को तय मुहूर्त पर ठीक 6:45 यानी शाम को 7:15 बजे श्री कपाट बंद हुए हैं। मेरी सबसे यही प्रार्थना या अन्य है, जो लोग दर्शन कर पाए, आज भीड़ बहुत देखने को मिली, जो लोग दर्शन नहीं भी कर पाए उन्हें एक बार कहता हूँ कि कदाचित मंदिर के अंदर आके आपने भगवान को देखा हो और न देख पाए हों तो इस बारे में यही जरूर कहूँगा कि भगवान ने आपको देखा है। बड़ी बड़ी आँखें कुबेर जी की, बड़ी बड़ी आँखें भगवान बद्रीनाथ जी की, आपको देखा, आपकी हाजिरी लग गई। कुछ यात्रा में व्यवधान रहा बीमारी के कारण, जो लोग नहीं आ पाए मन से जुड़े रहे, हमें रोज़ पूछते रहे कब आना है। हम भी बहुत खुल के बात नहीं कर पाए आप लोगों से, न जाने कहाँ रास्ते में तकलीफ हो जाए, लेकिन हम भगवान से निवेदन करते हैं अग्रिम वर्ष में वो लोग सब आ जाएं जो नहीं आ पाए और सबको आशीर्वाद देते हैं यहाँ से। बस शीतकालीन पूजाएँ अब देवताओं के पास, नारद जी कल से पूजा करेंगे, देवता आएंगे।